सिरमौर जिला के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर समुदाय हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुज्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में गुरुवार 30 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कहना है गुज्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट रजनीश मणि कटाला का, सुनिए विस्तार से। मामले को लेकर ये ऐसा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को एक वो स्टेटस देने का, तो उसके लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कि शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे। अब जो एक कम्युनिटी है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जिसको हाटी के नाम से जाना जाता है, उसको अभी रिसेंटली शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, जिसको इस पिटीशन में चैलेंज किया गया है। और चैलेंज करने वाले हैं एक गुज्जर समाज जो ऑलरेडी एक शेड्यूल ट्राइब हैं। इनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स बनने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया फिक्स किया है। उस क्राइटेरिया में क्या है कि नंबर वन, एक बैकवर्डनेस उस इलाके में उन लोगों की होनी चाहिए। नंबर दो, वो एथनिक ग्रुप्स होने चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव के अंडर एक ज्योग्राफिकल एरिया को, जिसको हम गिरिपार के नाम से जानते हैं, उसको शेड्यूल ट्राइब, वहां के जो रहने वाले हैं, चाहे वो हायर कास्ट के हैं चाहे वो लोअर कास्ट के हैं, उन सबको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया गया है। और इनका कहना है जो हायर क्लास के, जैसे हायर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, वो इकोनॉमिकली एक बहुत बेटर कंडीशन में है, एजुकेशनली बेटर कंडीशन में है। और वहां का एक गाँव है गिरिपार का जो एशिया का रिचेस्ट विलेज है। तो इन लोग, ये लोग जो हैं, वो शेड्यूल ट्राइब्स देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। और इसलिए गुज्जर समाज का कहना है कि ये अगर हायर कास्ट के लोग अगर शेड्यूल ट्राइब के की डेफिनेशन में आते हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, वो सब वो लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो एजुकेशनली बेटर हैं, वो इकोनॉमिकली बेटर हैं, दे आर इन पोजिशन टू हैव बेटर एजुकेशन। जबकि गुजर समाज जो है ये नोमैडिक लोग हैं, ये चरवाहे हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इनके पास ना स्कूल्स हैं, इनके पास ना कोई बहुत अच्छा साधन है अपनी आजीविका कमाने का। तो इस कारण से इस पिटीशन में ये जो स्टेटस ग्रांट किया है, ये चैलेंज किया गया। सर, आज जो हुआ, क्योंकि अदालत में लगातार क्या इसमें फैसला हुआ? ये चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जस्टिस ज्योत्सना रिवाल जी की अदालत थी, उसमें इस केस के ऊपर सुनवाई की गई। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसमें जो भी जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन सबको नोटिस इशू किया है कोर्ट ने। और ये कहा है कि रिप्लाई फाइल करेंगे और केस अब लगेगा 18th ऑफ दिसंबर को।